ये रही हमारी मलका मसूर की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरीके से बनाते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, आज की रेसिपी होने वाली है काली मलका मसूर दाल। इसको आज हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप काली मसूर दाल ली है, भिगो लिया है इसको। इसके अलावा 2 टमाटर हमने रफली ले लिए हैं, चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा और लहसुन की कलियां लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ कुकर में हम अपनी दाल को फ्राई कर देंगे। और ये जो मसाले और जो हमने निकाल कर रखे थे टमाटर, इसको हम शामिल कर देंगे। इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक शामिल करेंगे हम और पानी और डालेंगे थोड़ा इसमें। इसको लिड लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बहुत जल्दी गल जाती है तो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी हमें। जब ये गल जाएगी तब हम उसके बाद मिलते हैं, फर्दर इसको हम तड़का देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी दाल गल चुकी है। इसको अच्छे से चला लेंगे हम और इसमें पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पैन ले लिया है, पैन में देसी घी शामिल किया है। इसको गरम करेंगे हम। ये पैन में घी हमने गरम कर लिया, इसमें हम हरी प्याज शामिल कर देंगे। मेरे पास हरी प्याज है, इसमें हरी प्याज डाल देंगे। तो चलाएंगे। तो यहाँ हमने अपनी दाल में पानी डाल लिया था, इसको गरम कर रहे हैं। और इधर हमने हरी प्याज भी फ्राई कर रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हरी प्याज का काली मसूर दाल में। आप लोग डालिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए, प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको दाल में शामिल करेंगे। तो ये अब हम हरी प्याज इसमें शामिल कर देंगे। जिनके पास हरी प्याज अवेलेबल नहीं है वो नॉर्मल प्याज भी शामिल कर सकते हैं, जस्ट एज अ तड़का। तो ये दाल हमारी हो चुकी है, इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और करते हैं इसको डिश आउट। और इसको गार्निश करेंगे हम हरी धनिया से। तो ये हमारी मलका मसूर फटाफट से बनके तैयार हो गई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।